The first one is called ionic bond. कौन सी बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड, जिसे हम बोलते हैं कर्नल बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड, कर्नल बॉन्ड, वो कर्नल वाली बीवी वाले नहीं, कर्नल बॉन्ड. ठीक है जी. डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड. भैया टाइप्स ऑफ बॉन्ड में बॉन्ड की टाइप्स की बात करते हैं. तो बॉन्ड कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, वन इज केमिकल बॉन्ड एंड सेकंड वन इज फिजिकल बॉन्ड. एक हमारे पास केमिकल बॉन्ड आती है और एक फिजिकल बॉन्ड आती है. लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल. डिटेल से डिस्कस करते हैं. केमिकल बॉन्ड का दूसरा नाम है, आप लोगों ने सुना हुआ है, बहुत मरतबा सुना हुआ है, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड. इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड, ध्यान दीजिए क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड. इंट्रा से क्या मुराद है? इंट्रामीन के अंदर, या हम इसे बोलते हैं इंग्लिश में, हम कह सकते हैं कि इनसाइड अंदर को बोलते हैं. इंट्रा मीन अंदर, किसके अंदर? मॉलिक्यूल के अंदर. इंट्रा मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी बॉन्ड आपको नजर आएंगे वो तमाम के तमाम क्या होंगे? केमिकल होंगे. सही है. अगला जो इसका नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम दूसरा नाम देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड द इंटर एटॉमिक बॉन्ड. क्या बोलते भैया? इंटर एटॉमिक बॉन्ड. कुछ लोग इसे इंटर आयनिक भी बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड के केस में. बहरहाल इंटर एटॉमिक बॉन्ड मतलब ये किसके बीच होती है? ये एटम्स के बीच होती है. ये किन के बीच होती है भैया? ये एटम्स के बीच होती है, इसे बोलते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड. किन के दरमियान होती है? ये इंटर से मुराद है के दरमियान, के माबेन, के दरमियान. किन के दरमियान? एटम्स के दरमियान. बिटवीन द एटम्स, बिटवीन द एटम्स, एटम्स के दरमियान. एटम्स के दरमियान, दो एटम्स के दरमियान, हर दो एटम के दरमियान, हर दो, दो, दो से ज्यादा नहीं, सिर्फ दो, दो एटम ही मिलकर आपस में बॉन्ड बनाती हैं. दो से ज्यादा एटम नहीं बन सकती. दो से ज्यादा एटम मिलती तो मॉलिक्यूल बनता है, मगर दो एटम हमेशा एक बॉन्ड के जरिए मिलती हैं. हमेशा एक बॉन्ड कब बनता है? जब उसके इर्द गिर्द कितने एटम पाए जाएं? दो एटम पाए जाएं. सो इंटर एटॉमिक बॉन्ड, इंटर से मुराद है के दरमियान. किन के दरमियान? एटम्स के दरमियान. बिटवीन द एटम्स, एटम्स के दरमियान. इस कॉल्ड इज व्हाट? इस कॉल्ड इज द इंटर एटॉमिक बॉन्ड. सो लेट्स डिफाइन, हाउ कुड वी डिफाइन द केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड को डिफाइन कैसे करते हैं?
लेकिन वही डिफिनेशन जो हमने अभी प्रीवियस पढ़ी बॉन्डिंग वाली, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या भैया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टुगेदर, विच होल्ड्स टुगेदर, विच होल्ड्स टुगेदर, जो जोड़ के रख सकती है, पकड़ के रख सकती है टू एटम्स, या तो दो एटमों को, आर टू आइंस, या तो फिर दो आइंस को जोड़ के रखे, सच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड, सच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, such force of attraction is called chemical bond. The force of attraction, ऐसी force of attraction which holds together, जो जोड़ के रखती है two atoms, या तो दो एटमों को, or two ions, या फिर दो ions को. अच्छा, इस तरह के bonding को हम बोलते हैं chemical bond. और chemical bond जिस phenomena से बनती है उसे हम बोलते हैं chemical bonding. क्या बोलते भैया, केमिकल बॉन्डिंग. अगेन फोकस कीजिए, बॉन्ड और बॉन्डिंग को अगेन फोकस कीजिए, केमिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्डिंग. बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्शन है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जबकि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, वो एक फेनोमेना है, एक प्रोसेस है. समझ रहे हो बातों को, ये दो अलग अलग बातें हैं. केमिकल बॉन्ड या बॉन्ड एक अट्रैक्शन है, एक फोर्स है, वाइल केमिकल बॉन्डिंग क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एक अमल है, एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है. सो द प्रोसेस बाय विच द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्डिंग. उस फेनोमेना को फिर क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं. अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग के कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, याद रखिएगा. केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग. ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, याद रखिएगा. पॉइंट नंबर वन, केमिकल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग. केमिकल बॉन्ड क्या होता है भैया, केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है. पॉइंट नंबर टू, केमिकल बॉन्ड इज स्टेबल. ये क्या होती है, स्टेबल होती है, ये इतनी जल्दी टूटती नहीं है. एज कम्पेयर टू वॉट, एज कम्पेयर टू फिजिकल बॉन्ड. फिजिकल बॉन्ड के मुकाबले में ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, ये कम एनर्जी पर टूटती या बिखरती नहीं है. फिर हम बाद में पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड भी कुछ रिएक्टिव होती है, कुछ लेस रिएक्टिव होती है, वो बात की बात है. बहरहाल, फिजिकल बॉन्ड के मुकाबले में केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड इज स्टेबल. नेक्स्ट, अगले हमारे पास आ रही है, याद रखिएगा, केमिकल बॉन्ड में द बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई. बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा दरकार होती है, या यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, तो हम बोलेंगे हाई बॉन्ड एनर्जी. क्या भैया, हाई बॉन्ड एनर्जी. इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है भैया, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है. मतलब ये जब बनता है या जब टूटता है, इसको तोड़ने के लिए, या ये जब जुड़ता है, बनता है, तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो जाती है. तो लिख ले, द हाई बॉन्ड एनर्जी इज रिलीज्ड आर एब्जॉर्ब. ठीक है जी, क्योंकि स्टेबल है. ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल बॉन्ड बनती है बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट खाम खा होगी, इलेक्ट्रॉन या आएगा या जाएगा या म्यूचुअली शेयर होगा. तो मैं हम बोलेंगे यहाँ पर क्या, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. किसकी इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर किन की इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है. मीन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लिख लें, इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन मे बी ट्रांसफर. इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मे बी ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफर होगा कामा, और मे बी व्हाट, और मे बी शेयर्ड. या तो इलेक्ट्रॉन क्या होगी भैया, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होगी,
या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या इलेक्ट्रॉन की क्या होगी भैया, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। अच्छा अगला पॉइंट यहां पर ऑक्टेट और डुप्लेट सब सुन लें, यहां पर ऑक्टेट और डुप्लेट की स्टेबिलिटी की खातिर ये बॉन्ड बनते हैं। तो हम कहेंगे यहां पर क्या होती है, ऑक्टेट एंड डुप्लेट स्टेबिलिटी, यहां पर ऑक्टेट और डुप्लेट की स्टेबिलिटी का ख्याल रखा जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा या इलेक्ट्रॉन जाएगा या इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर होगा, इसके लिए मस्ट है कि क्या हो जाए कि उनकी ऑक्टेट या डुप्लेट पूरी हो जाए। ये जो इलेक्ट्रॉन कोई एटम निकाल रही है, कोई एटम अपने पास इलेक्ट्रॉन ला रही है, इसकी बेसिक रीजन यही है कि क्या होना है, ऑक्टेट और डुप्लेट ने क्या होना है, स्टेबल होना है। सो ऑक्टेट और डुप्लेट स्टेबिलिटी के लिए क्या करती है, वो या तो इलेक्ट्रॉन निकाल रही होती है, या तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही होती है, या तो इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर कर रही होती है। सो मीन दे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन आर दे शेयर इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट एंड डुप्लेट स्टेबिलिटी, इसमें क्या होती है भैया, इसमें ऑक्टेट और डुप्लेट की क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। अगला पॉइंट, ये काफी स्ट्रांग होती हैं, स्टेबल होती हैं, हाई एनर्जी दरकार होती हैं, और ये हाँ याद रखिए, जब एटम बॉन्ड बनाती है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, कौन सी भैया, मैं काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा, देयर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट इज लो ऑफ द एटम्स इन बॉन्ड। एक बॉन्ड के अंदर ध्यान दीजिएगा, एक बॉन्ड के अंदर एटमों की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। याद रखिएगा जब भी बॉन्ड बनता है, बॉन्ड कब बनता है, बॉन्ड तब बनता है जब एटम क्या हो, आइसोलेटेड हो, कवारे हो, उन्होंने बॉन्ड ना बनाया हुआ हो। तो जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं, उनकी आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी क्या होने लगती है, कम होने लगती है, और एक पॉइंट आता है कि वहां पर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जहां पर वो मिलते हैं उस फेनोमेना को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेडियस। इक्विलिब्रियम रेडियस क्या होता है, जहां पर बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम रेडियस, आर इक्विलिब्रियम, ठीक है जी, द मोस्ट स्टेबल पॉइंट, जिससे मजीद नजदीक नहीं जा सकते एटम, मजीद फिर नजदीक नहीं जाते और ना फिर मजीद दूर जाते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम रेडियस। क्लियर है भैया, ठीक है। तो उस इक्विलिब्रियम रेडियस तक पहुंचते हुए क्या करनी होती है, एटमों ने अपनी एनर्जी रिलीज करनी होती है। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक नहीं, पोटेंशियल, मतलब उनकी इंटरनल एनर्जी, याद रखिए उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है जब एटम क्या बनाता है, जब एटम बॉन्ड बनाता है, होगी बात। सो द पोटेंशियल एनर्जी इज लो ऑफ द एटम्स इन अ बॉन्ड, एक बॉन्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम डिक्रीजेस। क्लियर होगी बात, ठीक है जी, ये पॉइंट है, जरा इन पॉइंट को स्क्रीनशॉट लेने में इनके आप लोगों को टाइप्स लिखवाना चाह रहा हूं कि अब केमिकल बॉन्ड के मजीद कितने टाइप्स हैं। केमिकल बॉन्ड ध्यान दीजिए, केमिकल बॉन्ड को मजीद फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू फोर कैटेगरीज, फोर टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे, और इन फोर क्लासेस को हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि हमारा चैप्टर यही है केमिकल बॉन्डिंग, हमारे चैप्टर का नाम ही यही है केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड की टाइप्स जब हम पढ़ते हैं तो याद रखिएगा केमिकल बॉन्ड के जो टाइप्स हैं, ठीक है जी, केमिकल बॉन्ड के हमारे पास फोर टाइप्स आती हैं, याद रखिएगा, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, जिसे हम बोलते हैं कर्नल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कर्नल बॉन्ड, वो कर्नल वाली बीवी वाले नहीं, कर्नल बॉन्ड, ठीक है जी, कर्नल बॉन्ड। नंबर टू, दूसरे हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड के बाद थर्ड आती है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड,
कौन से भैया? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और फोर्थ हमारे पास आती है, द फोर्थ वन इज द व्हाट? द मेटालिक, द मेटालिक बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड कहलाती है भैया? मेटालिक बॉन्ड कहलाती है। ये हमारे पास हो गई टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब इन टाइप्स को हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे, ये सारे हम बहुत उम्दा अंदाज में, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में डिस्कस करेंगे। सारे प्रॉपर्टीज, सारे पॉइंट्स, इनके अंदर जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स है, सब कुछ डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल के साथ। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दीज फोर इन डिटेल, हम जरा डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज व्हाट? फिजिकल बॉन्ड। चलिए जी स्टार्ट करते हैं फिजिकल बॉन्ड को। बंद करो।